हेलो फ्रेंड्स, आपसे स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा वर्क मतलब होता है कार्य, हिंदी में उसको बोलते हैं कार्य। तो वर्क कार्य क्या होता है, सिंपली यही है। फिजिक्स जो है, फिजिक्स में जो है वर्क जो है वो कार्य जो है का होना तभी माना जाएगा। मतलब जब जैसे कोई एक सरफेस है, मान लीजिए एक सरफेस है कोई, इस पर एक वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, और इस पर हम यदि यह बल लगाएं इधर से इधर धकेले, तो यदि ये वस्तु तनिक भी नहीं खिसकती, हिलती नहीं, तो इस वस्तु में इस प्रक्रिया में कार्य नहीं होगा, ऐसा फिजिक्स में कहा जाता है। यदि यही वस्तु बल लगाने पर बल की ही दिशा जिस पर लगा रहे हैं तो इधर ही दिशा में स्थापित हो जा रही है, ये वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक आ जा रही है, तो इस वस्तु को इसी प्रक्रिया में कार्य होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये स्थापन मान लेते हैं स्मॉल एस, सॉरी मान लेते हैं स्मॉल एस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ से जब वस्तु बल लगाया तो यहाँ पर आई, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो मैंने यहाँ से यहाँ ने जो दूरी रखा है वो विस्थापन कहते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया कार्य। या कहेंगे प्लेटफॉर्म पर होता है कि कुली जो होते हैं सर्वे बोलट होते हैं, तो इस प्रक्रिया में कार्य नहीं होगा। क्योंकि इस प्रक्रिया में जो कुली है इस पर जो ये ऊपर से नीचे की ओर बल लग रहा है, ये पूंछ है कुली के सर पे बल लगा रहा है नीचे की ओर, लेकिन कुली का विस्थापन भी जीरो नहीं, लेकिन किधर हो रहा है, लंबवत हो रहा है, कुली इधर जा रहा है, मतलब बल ऊपर से नीचे लग रहा है और कुली की विस्थापन लंबवत, इसलिए लंबवत है। इस प्रकार इसका या नहीं विस्थापन इधर हो रहा है, बल की दिशा में नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा विस्थापन, विस्थापन इधर हो रहा है। तो इस प्रकार कार्य तभी होना पाया जाएगा जब वस्तु पर बल लगाया तो वस्तु जो है बल की ही दिशा में विस्थापन हो जाए, तो फिजिक्स में कार्य माना जाता है। तो अब हम देखेंगे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, नियत बल द्वारा कृत कार्य। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले सूत्र माने क्या निकलता है, पहले बताया कि कार्य जो होता है, हमने पहले बताया है कि कार्य जो है एक तो बल होगा, पूरे बल की ही दिशा में विस्थापन होगा तभी कार्य होगा, विस्थापन ही सूत्र है हमारा बल का, कार्य का हो गया। तो मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, तो इस पर एक वस्तु रखी है यहाँ पर, ठीक। तो यदि कोई बल एफ किसी वस्तु पर लगाकर, मतलब किसी वस्तु यदि कोई बल एफ जो है मान लेते हैं इस पर लगा के, ये बल लग रहा है इस तरफ, इस दिशा में इस वस्तु पर लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए इधर से दिखा देते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इधर से लगा रहे हैं बल, इस पर लगा रहे हैं इधर तरफ लग रहा है। तो यदि वस्तु बल की दिशा में इधर है, बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न कर दे, मतलब विस्थापन उत्पन्न, इस पर बल लगाया गया तो ये विस्थापन उत्पन्न कर दे, मतलब विस्थापन मतलब इस यहाँ से यहाँ तक चल जाए, वस्तु चल जाए, तो इस प्रकार जो उनका कार्य होगा, इस प्रकार वस्तु द्वारा मतलब व्यक्ति द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य, जो बल लगाया उसके द्वारा किया गया कार्य होगा वो होगा बल गुणे ये मान विस्थापन, जो हमारा स्मॉल एस विस्थापन को एस, ठीक है, ये मेरा फार्मूला हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, मान लीजिए इस पर कोई सरफेस है और यहाँ पर एक वस्तु जो है वो रखी हुई है, ठीक है। तो यदि इस पर हम एफ बल लगा रहे हैं इस वस्तु पर, ठीक है, तो ये वस्तु जो है बल की दिशा क्या है, बल की दिशा ये है, ये बल की दिशा है, ये जो है ये बल की दिशा है, लेकिन यदि बल इधर लगा रहे हैं और बल की दिशा जो है मतलब वस्तु का विस्थापन है वो दिशा से थीटांश का कोण बना रही है, कोण पर कार्यरत है, मतलब यदि हम वस्तु को इधर धकेल रहे तो ये वस्तु बल की दिशा से
थीटा अंश के कोण बनाती हुई विस्थापित होती है। तो इस दशा में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इस दशा में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? एफ एस इंटू कॉस थीटा। ठीक, इस दशा में हमारा बल द्वारा किया गया कार्य इतना होगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन हो रही होगी कि एफ कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे एफ कॉस थीटा कैसे आया। तो ये एफ कॉस थीटा जो है ये बल का एस की दिशा में घटक है, मतलब ये बल का एस की मतलब विस्थापन की बल का एस की दिशा में घटक है, ये घटक एफ कॉस थीटा है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा होगा। जैसे मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, एक पिंड पर 40 न्यूटन बल लगता है, यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन दिशा में 45 अंश का कोण बनाता है तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान बताइए। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। हल हमारा फार्मूला था, कार्य का फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए कोण दिया है, थीटा दिया है। ठीक है, फार्मूला हमारा था, मेन जो था वो था एफ, ये पूरा फार्मूला था, फार्मूला पहले लिख लेंगे आप पूरा। ठीक, अब जो है देखेंगे इसमें से क्या क्या दिया है, क्या याद करना है। तो हमें देखिए, सबसे पहले एक पिन पर 40 न्यूटन बल मतलब एफ दिया है, एस मतलब विस्थापन क्रिया में विस्थापन दिशा में कोण बनाता है, मतलब 45 मतलब थीटा दिया है। अब जो है तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने, मतलब एस भी दिया है 2 मीटर। ठीक, तो कार्य का मान बताए, मतलब डब्लू हमें याद करना है, मतलब इसमें से हमें एफ भी मिल गया, एस भी मिल गया, थीटा भी मिल गया, और हमें डब्लू याद करना है, डब्लू हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, इस चीज़ को इस फार्मूले पे रख दो, डब्लू मतलब वर्क बराबर 40 गुड़े 45 2 इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री पे आते हैं तो बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 इंटू कोस 45 का होता है अपन अंडर रूट 2। ठीक, तो ये जो होता है इसको जब काटेंगे यहाँ से हम, ठीक है, तो इसको देखिए एक चीज़ और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 2 इंटू 1 अपन अंडर रूट 2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, चूँकि क्यों, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल 2 होता है। ठीक, इतना होता है, डब्लू इज इक्वल हो जाएगा, मतलब कार्य इज इक्वल हो जाएगा 40 अंडर रूट 2, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ये प्रकार से हमारा आंसर हल हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।